अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम इकबाल और आज हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ ट्रेलो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेदर इट्स अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और पर्सनल एनवायरनमेंट। आप अपने कुछ डेली रूटीन के काम करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, उसके लिए आपने ट्रेलो कैसे यूज़ करना है। आपके सामने स्क्रीन पे trello.com ओपन है। वेरी सिंपल इस, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइनअप पे जाएंगे और अपना ईमेल आईडी देंगे। ईमेल आईडी से आप साइन अप कर सकते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल से कर सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जो ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, आई यूज इन अ वेरी सिंपल वे कि कंटिन्यू विद गूगल, लॉगिन किया। जो ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है। राइट साइड पे इज अ बटन ऑन प्लस, आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग यू गेट इज क्रिएट अ बोर्ड। हम क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करते हैं, हमसे ऑप्शन पूछ रहा है कि बोर्ड का टाइटल क्या होगा। लेट्स से हम कहते हैं कि बोर्ड इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट। मेरे पास चूंकि डिफरेंट टीम्स हैं तो मुझसे पूछता है कि ये किस टीम का हिस्सा होगा। अब जेबेस्ट काम क्या देते हैं और भी से, और ये भी पूछता है कि कौन सी टीम है। फिलहाल मैं ऐसे कहता हूँ कि ये प्राइवेट बोर्ड है एंड क्रिएट बोर्ड। द मोमेंट आपने बोर्ड क्रिएट कर लिया, बोर्ड क्रिएट करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ गई। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने ये बोर्ड क्या कैसे यूज़ कैसे करना है। पहली चीज़ तो अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, इसका बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा, यू कैन जस्ट चेंज द बैकग्राउंड कलर टू एनी कलर सिंपली, एंड जब आपका एक बोर्ड बन गया तो बोर्ड में मुख्तलिफ तरीके हैं काम करने के। बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं कि आपने कौन कौन से काम करने हैं। टू डू की एक लिस्ट बन गई, उसमें से आप कहते हैं कि इनमें से कौन से काम आप अभी कर रहे हैं या आपने करना शुरू कर रहे हैं, डूइंग हो गया, और तीसरी हो गई लिस्ट डन। अगर आप चाहते हैं कि एक और लिस्ट बना लें कि आपने काम करना शुरू तो किया लेकिन किसी वजह से आपने इसको हॉल्ट कर लिया, तो आप कहते हैं हॉल्टेड की एक लिस्ट बन जाएगी और आप इस लिस्ट को मूव भी कर सकते हैं डन से पहले। वेरी सिंपल। अब आपके पास चार लिस्ट बन गई, टू डू, डूइंग, हॉल्टेड एंड डन। हाउ टू प्रोसीड विद दैट? सबसे पहला आपने जो काम है, जो स्कोप है प्रोजेक्ट का, जो काम आपने करने हैं, वो आप यहाँ पे मुख्तलिफ कार्ड्स बनाते जाएं। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि रिमेंबर पेंटिंग द रूम एक प्रोजेक्ट, तो पेंटिंग द रूम में आपने बाय पेंट एक कार्ड हो सकता है, एम्प्टी रूम एक कार्ड हो सकता है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं सेलेक्ट पेंट कलर बाय रिसोर्सेस, एग्जीक्यूट पेंट, क्वालिटी चेक, फिनिशिंग। लेट्स से हम ये कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट में ये वाले काम हैं जो आपने करने हैं। इस काम अभी ये काम किसी सीक्वेंस में नहीं है। आप लेट्स से आप कहते हैं हम सबसे पहले रिसोर्सेज हायर करेंगे, उसके बाद आप पेंट कलर सेलेक्ट करेंगे, दैट वाज एक्चुअली बाय पेंट, तो हम इसको एडिट करके हम कहते हैं बाय पेंट। पेंट बाय करना है, रूम एम्प्टी करना है, पेंट करना है, क्वालिटी चेक करना, फिनिशिंग करनी है। आप इसमें से कहते हैं कि यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन हायर रिसोर्सेज, या आप डूइंग पे आ गए। अब ये पूरा एक बोर्ड है जिसका नाम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। वी कैन चेंज द नेम एनी टाइम। आप कहते हैं कि
paint the classroom. This is your project. This is your board. इसमें आपने different list बना ली कि कौन से काम आपने total करने हैं, कौन से अभी आप करने जा रहे हैं. यहाँ पे अगर आप देखते हैं, आप इसको क्लिक करें तो आपके पास कुछ और एक स्क्रीन ओपन हो जाती है. स्क्रीन में आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आई विल हायर रिसोर्सेज फॉर दिस प्रोजेक्ट. आप सेव करते हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगी. आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, माय फर्स्ट कमेंट, वो कमेंट यहाँ पे शो हो गया. आप इसको कोई ड्यू डेट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैंने जो रिसोर्सेज हायर करने हैं वो 26 मार्च तक मैं हायर कर लूँ, तो इसकी ड्यू डेट आ गई. अब ड्यू डेट जब आप करने जा रहे थे तो आपको ये भी बताता है कि आपने रिमाइंडर कब आपको दे दो. सेम डे, सम मिनट्स, 2 आवर्स, 1 डे, आप वो भी कर सकते हैं. उसके बाद आप हायर रिसोर्सेज में आप कहते हैं कि मैं एक चेकलिस्ट बना लेता हूँ, उसका नाम चले हम चेकलिस्ट ही रख लेते हैं. उसमें हमने कहते हैं कि जी लेबर रखनी है, उसके बाद आपने पेंटर हायर करना है, आपने अकाउंटेंट का टाइम लेना है, व्हाटएवर इट इज़. आप चेकलिस्ट बना लेते हैं और जो जो काम आप करते जाएंगे वो आप यहाँ पे चेक करते जाएंगे. इट्स अगेन सिंपल वे. यू वांट टू अटैच समथिंग, आप कोई जॉब डिस्क्रिप्शन अटैच करना चाहते हैं, आप कोई पिक्चर अटैच करना चाहते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर से, गूगल ड्राइव से, ड्रॉप बॉक्स से, वन ड्राइव से, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. आपने इस लिस्ट का, इस कार्ड का कवर बनाना है, वो कवर आप बना सकते हैं. आपने कोई लेबल देने हैं, आप लेबल बना सकते हैं न्यू लेबल्स के. जी जितने भी प्लानिंग वाले टास्क हैं वो ग्रीन में आए, एग्जीक्यूशन वाले येलो में आए, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. आप टीम मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप टीम मेंबर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास कि आपने इस कार्ड को शेयर करना है, आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ. बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं कि आपने काम कैसे करना है. अच्छा, अभी ये प्राइवेट है, आप इसको टीम स्ट्रक्चर पे भी लेके जा सकते हैं. आप इनवाइट करना चाहें तो यू जस्ट टाइप इन दी ईमेल आईडी ऑफ समवन जो आपके टीम मेंबर हैं, तो आप उस ईमेल आईडी के अगेंस्ट उन लोगों को इन्वाइट चली जाएगी और दे विल बी पार्ट ऑफ योर बोर्ड. इस बोर्ड में, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, इज समथिंग वेरी बेसिक्स. इसमें आप बहुत सारे पावर अप्स हैं. आप अगर आप पावर अप्स की हम बात करें तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसमें फर्दर यूज़ कर सकते हैं. बर्न डाउन चार्ट्स भी इसमें हैं जो ये बताते हैं कि हाउ मच रिमेनिंग वर्क इज़ देयर. अभी तो हमने प्रोजेक्ट, लेट्स से हमने इस एग्जाम्पल में जस्ट स्टार्टेड वन, तो उसमें अभी तो नहीं होगा, बट अगेन जो आप काम करते जाएंगे तो आपके साथ ये चीज़ें ऐड होती जाएंगी. लेट्स गो बैक टू व्हाट यू आर डूइंग. आपने इनवाइट का हमने आपको बता दिया. आप प्राइवेट से उसको टीम पे ले जाना चाहते हैं, आप पब्लिक ऑप्शन करना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड है ये सबके लिए अवेलेबल हो जाए, आप वो भी कर सकते हैं. अगेन अगर आप इस पे डिफरेंट जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका कलर ये चेंज किया था, आप चाहते हैं कि इसमें कोई और इनोवेशन आप लाना चाहते हैं वो भी आप लेट से आप चेंज कर सकते हैं. यू डोंट लाइक इट, यू चेंज अगेन, यू गो बैक टू द बेसिक्स और आप कहते हैं कि जी मैंने इसका कलर ये करना है, आप कलर ये कर सकते हैं. सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. अगेन आप अगर देखना चाहें कि इसमें फर्दर क्या ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन भी आप यहाँ से देख सकते हैं. आप इसमें से अगेन
आपने कोई और अकाउंट ऐड करना है, एक्टिविटीज क्या ऐड करनी है, कार्ड्स क्या हैं, लॉग आउट, ये सारी चीज़ें भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स से आपने रिसोर्सेज हायर कर लिए और आपने सेलेक्ट पेंट कलर पे आप कहते हैं कि हमने काम करना शुरू करना है, और आप यहाँ पे ये ऑप्शंस देना चाहते हैं कि कौन कौन से कलर्स आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि जी आपके फेवरेट कलर्स कौन से हैं, उस कलर्स में से आप कलर्स के टैम्पलेट्स या व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स यू वांट, पिक्चर्स यू वांट, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। आपके पास एक और ऑप्शन पावर अप का ऑप्शन भी होता है। पावर अप का ऑप्शन ये है कि आप, ये बहुत सारे पावर अप्स हैं जो फ्री अकाउंट में कुछ आपको फ्री मिलेंगे, कुछ यू विल हैव टू पे फॉर दैट, कि आपने आपका लट से आपका काम एचआर से रेलेवेंट है तो कुछ एचआर के जो ऑप्शंस हैं वो ट्रेलो बोर्ड में आपके मिल जाएंगे। आईटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप करना चाह रहे हैं तो आईटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोई कस्टम फील्ड्स आपको मिल जाएंगी। अच्छा, जब हम कस्टम फील्ड्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये करना चाहते हैं कि आपने ये बताना है कि इस टास्क पे कितना टाइम लगेगा, तो आप टाइम की फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। आप डिफरेंट फील्ड्स आप इसको एक्सप्लोर करते जाएं तो आप बहुत सारी फील्ड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ट्रेलो यूज़ करने की बेसिक्स क्या हैं, हाउ टू लॉग इन, हाउ टू साइन अप, हाउ टू यूज़ इट। आपने पहला बोर्ड बनाया, हमने देख लिया, और इट इज़ वेरी सिंपल। लेट्स से हम कहते हैं जी हम रिसोर्सेज हायर कर लिए, यू कैन डायरेक्टली यू नो सेंड इट टू डन, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कितने काम करने थे, कितने उसमें से कामों पे आप अभी तक जो है यूर इन एग्जीक्यूशन फेज या आप काम कर रहे हैं, और हाउ मच वर्क यू हैव डन। अगेन आप मल्टीपल बोर्ड्स बना सकते हैं, मल्टीपल टीम्स बना सकते हैं, एक टीम के डिफरेंट बोर्ड्स बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो अभी यहाँ पे एक ही नाम आ रहा है, और अगर आप अब टीम में आएंगे, टीम स्ट्रक्चर में आएंगे, तो जितने लोग इस बोर्ड का हिस्सा होंगे वो तमाम के तमाम लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, और आप उन तमाम लोगों को यू कैन असाइन टास्क टू दोज पीपल। तो अगेन मेरा ख्याल है कि हमने जो इसकी बिल्कुल बेसिक्स थी वो बेसिक्स हमने कवर कर ली हैं। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी शूटिंग अनदर वीडियो ऑन अ बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस कि हम ट्रेलो को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ट्रेलो कैसे हेल्पफुल हो सकता है ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में बल्कि हमारे प्रोजेक्ट्स में, और हम डिफरेंट जो पावर अप्स हैं वो हम ट्रेलो में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड and see you next time. Thank you very much.